मेरी बेटी 14 साल 5 महीने 2 दिन की है। मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं मानती। मेरी बेटी की उम्र सर अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी 14 साल 5 महीने 2 दिन की है। मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं मानती। लेकिन ये है कि जज ने जो बात की है, मैं जज की बात पे इत्तेफाक करती हूँ, पर फिर भी मैं ये बात बोलूँगी कि मेरी बेटी 14 साल 5 महीने 2 दिन की है। ये रिपोर्ट गलत की गई है, इसका दोबारा से मेडिकल टेस्ट कराया जाए। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ ना, मेरी बच्ची को मैंने पैदा करा है, इसलिए मुझे पता है कि मेरी बच्ची कितने साल की। 14 साल 5 महीने 2 दिन की मेरी बच्ची है। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, बच्चे के स्कूल की सर्टिफिकेट भी। फिर मैं कैसे मान लूँ कि मेरी बेटी 18 साल की है। मैं इस रिपोर्ट को जो पुलिस वाले ने रिपोर्ट करवाई, मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मानती। मुझे मेरी बेटी के साथ इंसाफ किया जाए। बच्ची छोटी है, उसके कहने के मुताबिक इन लोगों ने उसको 18 साल जाहिर कर दिया, जबकि बच्ची 18 साल की है नहीं। बच्ची सिर्फ 14 साल 5 महीने 2 दिन की। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। पहले भी मीडिया वालों ने इंसाफ किया था और मैडम शैला रजा ने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मैं उनका एहसान मानती हूँ। बेटी कह रही है कि वो अपनी मर्जी से गई है। अपनी मर्जी से गई है। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं तो बच्चे खिलौने की तरफ जाते हैं। उसको पता नहीं आगे क्या मामला हो सकते हैं क्या नहीं। इतनी छोटी बच्ची, किसी की भी बहन बेटी हो, आप खुद मीडिया वाले हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपकी छोटी बच्ची के साथ इस तरह के मसले मसाइल हैं तो आप बच्ची को जाने देंगे साथ में? जैसा आपने भी कहा कि बच्चों को बाद में एतराज़ होता है कि उन्होंने गलत किया था। बाद में उसको एतराज़ होगा, इससे पहले कि अल्लाह ने करे बाद में जाएगी वो पछता कि मैं अपनी बच्ची को अभी आने वाली मुसीबत से अभी नहीं बचा लूँ। इसलिए मैं आप तमाम साहिबान से गुजारिश करूँगी, बल्कि जज साहब को भी मैं ये बात बोलूँगी कि बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए। उसकी छोटी उम्र है, अभी तो सिर्फ उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, उसने जो कुछ भी फिलहाल अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। मतलब नहीं, मैं बच्चे को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बच्ची छोटी उम्र है, अभी नहीं तो कभी फिर वो फैसले के लिए पछताएगी जब वक्त गुजर जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि बच्ची को उसके फैसले के मुताबिक नहीं छोड़ा जाए। मैं बच्ची को यहाँ नहीं छोड़ने दूँगी। बाकी हमारे वकील साहब भी इंशाल्लाह ताला फाइट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेटी कुछ टाइम के बाद खुद ही संभल जाएगी। अभी बस बच्ची छोटी है, जो उसके जहन में आ रहा है, उन लोगों ने सिर्फ उसको बिठा के पिज़्ज़ा बर्गर खिला के उसका माइंड वॉश कर दिया है। और वो लड़का ना कमाई धमाई कुछ भी नहीं करता, मैं उस पर कैसे छोड़ दूँ? कुछ काम नहीं। और ये 5,000 रुपये उसने हक मेहर रखी, 1,80,000 का उसने मोबाइल गिफ्ट करा उसको ईद पे, 1,80,000 का उसने मोबाइल गिफ्ट करा बच्ची को, और क्या कहते हैं 5,000 रुपये उसने हक मेहर करी। तो इससे आप क्या मायने रखेंगे? क्या मायने रखेंगे कि बच्ची के साथ वो क्या करना चाह रहे हैं? जबकि हम वहाँ गए जो इनका गांव है, वहाँ जाके हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली ना उस बच्ची की, उससे मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वालदा के बारे में, खाले के बारे में जो वहाँ के लोगों ने मुझे बात बोली है, तो मैं उस तमाम तर बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही बोलूँगी कि इस लड़के की छानबीन भी की जाए और मैं इस लड़के के साथ अपनी बेटी को नहीं जाने दूँगी। क्या हुआ आज? और आप बताएं, आपके बच्ची की एज क्या है सर? इस वक्त तो मेरी बेटी की जो उम्र है इस वक्त 14 साल 5 महीने। अब ये मेडिकल के अंदर कल अभी परसों जो है थाने के अंदर जो पुलिस वाले पास गई है कि खाला क्यों गई है, पैसा दिया ना, पैसा दिया तो जाए तो वो आगे पैसा देगा तो मेडिकल को कोई, उसने कहा था शाहरुख ने कहने उसकी 19 साल की करवा के रहूँगा, ज़्यादा पैसा दिया तो ज़्यादा मेडिकल को भी पैसा दे रहे हैं। अब हमें मेडिकल कराने के लिए आपने क्यों लेके नहीं गए वहाँ? हमें कन्फर्म करना चाहिए ना, कन्फर्म करना था तो ज़्यादा हम वहाँ पूछते, हम फिर उससे बात करते हम ये मेडिकल जो कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? तो ज़्यादा बच्ची को हमने पैदा किया है, हमारे पास बड़ी हुई है, छोटी हुई है बहुत है? तो आप मतलब आप मेडिकल रिपोर्ट से मुतमिन हो कि नहीं? नहीं, मैं मुतमिन नहीं हूँ मेडिकल रिपोर्ट से, मुतमिन बिल्कुल नहीं हूँ मैं, मुतमिन यूँ नहीं हूँ जनाब। ये मेडिकल जो इन्होंने कराया अपनी मर्ज़ी से कराया इन्होंने, हमको माँ बाप को क्यों नहीं बुलाया आपने मेडिकल के अंदर? मेडिकल का अगर करवाना था तो पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था ना आपको, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स हम लेके जाते हैं। हाँ, भी ये किया है। अच्छा, ये तोसा शरीफ में गए थे, वहाँ पे क्या देखा था? तोसा शरीफ में तो जनाब हमने जो वहाँ देखा, ईमानदारी की बात है, जो हमारी वहाँ पे शाहरुख के जो कारकुन थे वहाँ पे हमारी मूवी बना रहे थे, वो उसने जो हमारी मूवी जो कैमरा ऐसे चला रहा था अपना मोबाइल, तो हमारी मूवी बना रहा था वो। जब हाई कोर्ट के अंदर पहुँचे, हाई कोर्ट में पहुँचे तो उसके बाद जो है वो अंदर ही मूवी बन रही थी हमारी। जब हम वापस बाहर आ रहे हैं, जो इनका वकील था नेमतुल्ला क्या कुछ ऐसे कुछ नाम था उसका, तो उसके ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, वहाँ भी हमारी मूवी बनी है। कहें कल मैं परसों गया था बेटी के पास, तो कहने पापा नबीर और आपकी जो है पूरी मूवी बन के आई है वापस, और कोर्ट में भी आपकी मूवी बन कर आई है हमारी, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो हमारे घर के अंदर जो आप पहुँचे वहाँ पे जो नबील कूद रहा था
तो वहाँ की मुहिम बनी है और वहाँ पे इंजेक्शन, जो इंजेक्शन पड़े हुए थे किस चीज़ के पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं, ज़्यादा वो बच्ची को टॉर्चर करने के लिए, उसके दिमाग को मूव करने के लिए, जो हाँ सिर्फ हम जो कहें वो कहें हमारे लिए है जी। अच्छा आप क्या समझते हैं, अगर बच्ची ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा, 2 महीने दारुमान के हवाले कर दी गई है, तो आप रोज़ाना के बुनियाद पर मिलेंगे या जो आप मुलाकात करेंगे तो उसमें आपको उम्मीद है कि बच्ची वापस जो है वो वापस आ जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस मौला के सदक़े में इंशाल्लाह बिल्कुल आएगी हमारे पास। वो मैं बस तो इसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है पापा, मेरे पास तो शरीक करना जो रो रही थी, कहने पापा मुझे आप मुझे आके ले जाइए, पापा मुझे आगे ले आइए, रो रो के बोल रही है, कह रहे हैं पापा मैं वाल ये FIR ख़त्म कर दें, शाहरुख कह रहा है FIR ख़त्म कर लें, और FIR जब ख़त्म करेंगे तो वहाँ कोर्ट में जाके शाहरुख कह रहा है मुझसे, कहना है हलफनामा ले लें वहाँ से बनाकर और आगे किसी को वहाँ पहुँचा दें आप, तो आपकी जो है इस FIR को ख़त्म हो जाएगी हमारी, हम FIR ख़त्म करके अपने गले के अंदर घंटी बजाना, हम मुजरिम बनना, हम तो मुजरिम तो नहीं बन सकते ना जी, अपनी बच्ची को किसी भी करप्ट लोगों से बचाना, तो शरीफ के थाने के अंदर के अंदर वहाँ पे वहाँ के SHO बोल रहा है क्या, नहीं ये लोग करप्ट हैं, 2 नंबर लोग हैं, वो जो इकबाल नाम का जो था वो वहाँ का था, वो ख़राब आदमी, और इसकी माँ जो है वो 2 नंबर है SHO कह रहा है मैं, तो हमारा तो माथा खंड का मिला भाई, ये तो ऐसा मसला है। अब आप बताएं, अब जगह जगह तुम भागते फिर रहे हो, बेटी परसों कह रही है पापा ये मुझे वहाँ ले गया था बलूचिस्तान, ये क्यों भाग गया वहाँ से, तो शरीफ तुम भाग रहे हो, अगर तुम मुजरिम नहीं हो तो तुम यही हो, वहाँ सामने आओ, जब तुम 164 का बयान कोर्ट में तुम कराने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें आना चाहिए सामने, अब तुम इसलिए नहीं आए, तुम मुजरिम हो, तुम गलत लोग हो, तुम गलत लोग हो, तो इसलिए वजह से उन्होंने अपने आप को छुपाना, हमारी तुम्हारी मूवी बनाना, अब मूवी हमारे साथ मूवी जा रही है वहाँ से बंद करने के वहाँ से जा रही है, हम जैसे मोबाइल में बैठे हुए हैं, असगर साहब थे हमारे IO साहब, उनकी मूवी बन रही है हमारी, उनकी मूवी बन रही है नबी, हमारे बेटा नबील अल काजमी साहब, उनका भी हमारे बेटे का मूवी बन के आ रही है, कह रहे हैं पापा आपकी मूवी बन बन के हमारी आ रही है, ज़्यादा मुजरिम हमेशा अपने आप को छुपाने के लिए आगे मुखबरी करता आएगा, उस घर के अंदर जहाँ रहते थे वहाँ हमने वहाँ छापा मारा, वहाँ से भाग गई है, वहाँ से भाग गए पापा, हम कह रहे हैं पापा मैं वहाँ से बलूचिस्तान चले गए लेके, हम कोई सरदार के पास, सरदार के पास नहीं आओ तुम यहाँ से निकलो, ये हमारे लिए बहुत मसला खड़ा हो जाएगा, तो वहाँ से भी यहाँ पर आए, अब इनको कहाँ से पकड़ा, जब इकबाल को हमने अरेस्ट कराया, अगर इकबाल अरेस्ट नहीं होता लड़की नहीं मिलती हमारी,